नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक और रेसिज्म का इवेंट यहां पे निकल के आया है कुछ दिन पहले। ये इंडिविजुअल जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, इसका नाम है तेजिंदर सिंह। ये एक इंडियन अमेरिकन है और ओवरऑल एक टाको बेल नाम की जगह है फेरमोंट यूएसए में, जहां पे ओवरऑल ये स्टोर में गया है। स्टोर में एक और इंडियन बैठा था, जो दूसरा इंडियन था वो वेजिटेरियन था, और ये जो पर्टिकुलर तेजिंदर सिंह है ये नॉन वेजिटेरियन है। तो ये अब्यूज हर्ल करते हुए नजर आ रहा है, सामने सामने थूकते हुए नजर आ रहा है। जो इंडियन अमेरिकन है, ये इंडियन अमेरिकन है, और जो दूसरा इंडियन गया है यहाँ पे उसके खिलाफ उल्टा सीधा बोलते नजर आ रहा है। सामने सामने कह रहा है कि मैं बीफ खाऊंगा, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं बीफ खाऊंगा। ठीक है, आपको बीफ खाना आप खाओ, वो आपकी फूडिंग प्रैक्टिस है, लेकिन सामने वाला इंसान अगर वेजिटेरियन है तो उसको उल्टा सीधा सुनाना ठीक नहीं है। जिस पर्टिकुलर इंडियन को यहाँ पे अब्यूज सुननी पड़ी, उसका नाम है कृष्णन जयरमन अय्यर। ये इंडिविजुअल वेजिटेरियन था, इसने बहुत पेशेंटली इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सारी बात सुनी, सब कुछ सुनता गया, और उसको सबको वीडियोग्राफ कर लिया। यहाँ पे इसने डॉलर्स दिखा के इसको ह्यूमिलिएट कर रहा है, और एंड में काफ़ी चिल्लाया है, गालियाँ वालियाँ भी इसने बहुत सारी दी हैं। यहाँ पे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, और बात करने के बाद ओवरऑल यहाँ पे एंड में पुलिस आती है, और पुलिस ओवरऑल इसको यहाँ पे आके ले जाती है। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि ये एक इंडियन अमेरिकन है। इंडियन अमेरिकन के रिस्पेक्ट में एक सर्वे कराई गई थी, जहां पे ये बोला गया था कि यूएस में रहने वाले हर दो इंडियन अमेरिकन में एक को रेशियल अब्यूज सहनी पड़ी है। लेकिन ये तो खुद ही इंडियन अमेरिकन है, खुद इंडियन अमेरिकन होके इंडिया को उल्टा सीधा सुना रहा है, और ओवरऑल बीफ खाने को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, बीफ खाना प्रमोट करना एक अलग बात है, यूएस में और बाकी कंट्रीज में बीफ खाना कोई बड़ी चीज नहीं है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिस्पेक्ट में रिसेंटली कुछ और न्यूज़ निकल के आई थी। एक कुछ दिन पहले विनी सर ने एक वीडियो बनाई थी, जहां पे एक अमेरिकन मैक्सिकन वुमेन चार इंडियन अमेरिकन वुमेन को रेशियली अब्यूज करती हुई पाई गई थी। तो ओवरऑल उस केस में भी ये जो वुमेन थी वो नेटिव अमेरिकन नहीं थी, उसका खुद मैक्सिकन ओरिजिन था, और वो इंडियन ओरिजिन लोगों को अब्यूज कर रहे थे यूएस के अंदर। और यहां पे ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है तेजेंद्र सिंह, ये भी ओवरऑल इंडियन ओरिजिन ही है इसका, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाकी इंडियंस को अब्यूज करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये एक प्रकार की कोशिश है, जिस कोशिश के चलते ये अपने आप को बहुत ज्यादा अमेरिकन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ कुछ फिरोज तुगलक जैसा था। फिरोज तुगलक जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो कुछ लोग ये बोलने लगे कि भाई ये तो एक हिंदू माँ का बेटा है। तो उस कंटेक्स्ट में फिरोज तुगलक ने बिल्कुल ही मुस्लिम थियोलॉजियंस के हिसाब से रूल करना शुरू कर दिया, बहुत से हिंदूज को मारा, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि हाँ वो एक ट्रू मुस्लिम है। उसी कंटेक्स्ट में यहां पे आप ये समझ सकते हो कि कभी कभी क्या होता है कि इस एफर्ट में कि हाँ भाई आप वहीं के हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिरोज तुगलक था, और नॉर्मल केस में मोहम्मद बिन तुगलक ने उतने अत्याचार नहीं किए थे जितने फिरोज तुगलक ने कर दिए। फिरोज तुगलक ने दिखाने के लिए किए कि हाँ भाई देखो मैं ओवरऑल नियम कानूनों के हिसाब से चल रहा हूँ, मुस्लिम थियोलॉजियंस के हिसाब से चल रहा हूँ, जबकि जो प्रोग्रेसिव रूलर्स रहे हैं अकबर जैसे रूलर्स, वो किसी के हिसाब से नहीं चलते थे। अलाउद्दीन खिलजी, खैर अलाउद्दीन खिलजी को तो प्रोग्रेसिव नहीं बोलूंगा, प्रोग्रेसिव रूलर मुस्लिम्स में अगर कोई दिखाया तो वो अकबर है। तो वो क्या था कि भाई बिल्कुल भी मुस्लिम थियोलॉजियंस की बात नहीं सुनेंगे हम, तो भाई अपने दिमाग से काम करेंगे। तो यहाँ पे भी जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, जो मैक्सिकन अमेरिकन्स हैं, ये सब ये एक्टिविटी करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि बेसिकली शायद ये अमेरिकन सोसाइटी को या अपने आप को सोसाइटी में दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा अमेरिकन हैं, और हमें पसंद नहीं आ रहा कि कोई बाहर वाला आके अमेरिकन सोसाइटी में सेटल हो रहा है। ये जो इंडिविजुअल था तेजिंदर सिंह, ये यहाँ पे इंडियन सोसाइटी, इंडियन वैल्यूज को सुनाते हुए नजर आ रहा था, इंडिया को ह्यूमिलेट करते हुए नजर आ रहा था, थूक रहा था, वेजिटेरियनिज्म को गाली दे रहा था। इसका एक ही प्रॉपर रीजनिंग हो सकती है कि शायद ही अपने आप को ज़्यादा अमेरिकन दिखाने की कोशिश कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू नेटिव अमेरिकन्स। इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।